मिसिंग और बूट फेल्ड इस तरीके का आपको दिख रहा हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ओके पे अगर क्लिक करते हैं ओके, तो गाइस फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये ऑप्शन आ जाता है और हमें समझ नहीं आता आखिर करना क्या है। देखिए इस तरीके का ये इंटरफेस है इसका, बूट ऑप्शन मेनू, ठीक है। तो अब करें तो करें क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस पावर बटन को लंबे समय तक प्रेस करना है, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर से ऑन कर लेते हैं, ठीक, और ऑन कर लेते हैं और F2 फ्लिप आपका जो PC है F2 होगा, ठीक है। और F2 में आने के बाद आप अपना देख लीजिए कि बूट मेनू क्या है, ठीक है। तो मेरा एसर का लैपटॉप है और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो बूट मेनू है, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन होने के बाद हम समझ नहीं पाते हैं कि लैपटॉप कैसे ऑन करें, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपको बूट मेनू में आकर यहाँ पे एंटर करना हो और लग्जरी को सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है और F9 पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लग्जरी सेलेक्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक। जैसे कि F9 पे आ जाएंगे फिर से और देख लेते हैं कि क्या है। अभी तो ये FI है, इसको लग्जरी सेलेक्ट करके ओके और ओके, सेव एग्जिटिंग सेव चेंज, यहाँ पे ये सेव कर देंगे, एंटर मार देंगे। यहाँ पे देखिए एंटर कर रहे हैं और एंटर कर देंगे और यहाँ पे यस एंटर कर दें। तो देखिए गाइस मेरा PC जो है लैपटॉप वो ऑन हो गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।